सेशन में हमने पीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अब तक मैंने दो वीडियोस पब्लिश किए हैं। पहला वीडियो था जहां पर हमने पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और दूसरा वीडियो था जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 20 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, और जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगेन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2017 का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 21? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन रीजंस फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशनल डेटाबेसेस। ऑप्शन 1, टू अचीव फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ऑप्शन 2, टू रिमूव डेटा एनोमलीज विच कैन बी इंसर्शन एनोमली, अपडेशन एनोमली, डिलीशन एनोमलीज। और ऑप्शन नंबर 3, टू सेव द स्पेस ऑन डिस्क। नाउ द नॉर्मलाइजेशन, देखिए तीन ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। पहला जो ऑप्शन है वो है टू अचीव द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। देखो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि फिजिकल लेवल पे जो डेटा है वो इंडिपेंडेंटली स्टोर्ड हो। लेकिन लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जब हम रिलेशनल डेटाबेसिस की बात करते हैं तो जो डेटा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और बिकॉज देखिए रिलेशनल डेटाबेस हमने इंट्रोड्यूस क्यों किए, बिकॉज काफ़ी जो डेटा है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लूँगा, एक स्टूडेंट जो है उसके पास नेम, रोल नंबर और उसकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, लेकिन उसी स्टूडेंट का एक रिलेशन हो सकता है कि क्लास में उसके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं या फिर वो सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो इसी वजह से हमने रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए जो उसमें पहला जो ऑप्शन है वो ऑब्वियसली बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन जो है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, हम नॉर्मलाइजेशन को फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के लिए यूज़ नहीं करते। अब ऑप्शन नंबर 2 जो है टू रिमूव द डेटा एनोमलीज विच इज़ परफेक्टली करेक्ट। देखिए नॉर्मलाइजेशन के एक सिंपल्स मैं आपको आइडिया बताता हूँ। हमारे पास हम सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को यूज़ करते हैं, फिर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर हम करते हैं BCNF, राइट, and then we have fourth normal form etc, right, 4CNF, or you can say fourth normal form. So this is NF, okay. Now every relational database is by default in 1NF. अगर आपको 2NF के अंदर आना है या 3NF के अंदर आना है तो उसमें से हमें किसी तरह की dependencies को remove करना होता है ताकि जो data है उसके अंदर repetitions ना हो। तो रिपीटेशंस होंगी तो आपके पास अपडेशंस एनोमली होगी। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, देखो अगर एक डेटा है आपके पास, एक कॉलम अगर इस टेबल के अंदर है और सेम जो कॉलम है आपने दूसरी टेबल के अंदर भी मेंटेन किया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर किसी डेटा को अपडेट करेंगे तो वही अपडेशंस आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, यानी कि अपडेशन जो है वो आपको दो बार करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जो अपडेशंस बिकॉज आपको दो बार करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर रहा है। तो अपडेशन एनोमलीज आपके पास क्रिएट हो सकती है, डिलीशन एनोमलीज क्रिएट हो सकती है कि आपको अगर यहाँ से किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया है तो रिकॉर्ड यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए। अगर लेटर से आपने यहाँ से किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं किया तो क्या होगा, डिलीशन एनोमलीज को अकर हो जाएंगी। तो अपडेशन डिलीशन एनोमलीज जो होती है उनको रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप नॉर्मलाइजेशन आप यूज़ करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसा डेटा जो रिपीटेड फॉर्म में स्टोर हो रहा हो उस रिपीटेड फॉर्म के डेटा को रिड्यूस करना, यानी कि उसको मिनिमाइज करना। तो हम रिपीटेड फॉर्म के किसी भी डेटा को हम बार बार स्टोर नहीं करना चाहते, उसको कम से कम एक अब उसको जो डिपेंडेंसीज है उसको बार बार रिपीटेड ना हो, तो उससे हमारे पास सेव स्पेस भी सेव होता है, लेकिन हम रिपीटेशन जो है डेटा की उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 2 बोलता है एनोमलीज के बारे में, जो कि आपकी अपडेशन एनोमली हो सकती है, डिलीशन एनोमली हो सकती है या फिर इंसर्शन एनोमली हो सकती है, और जो ऑप्शन नंबर 3 है वो स्पेस ऑन डिस्क की बात करता है। तो अगर आपका जो डेटा है वो डेटाबेस है वो अगर नॉर्मलाइज्ड है तो ऑब्वियसली उस केस में आप डिस्क के अंदर काफ़ी स्पेस को सेव करने वाले हैं। तो इसी वजह से दो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, देयर इज पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 आर करेक्ट, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है व्हाट इज अ थ्रेड। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ थ्रेड, आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो, थ्रेड इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ लाइट वेट प्रोसेस। देखिए एक आपके पास बिगर प्रोसेस होती है, जैसे कि आपने वेब ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम। अब जो गूगल क्रोम है दैट इज इटसेल्फ इज अ प्रोसेस, लेकिन उस ब्राउजर के अंदर जब आप एक न्यू टैब को क्रिएट करते हैं, उस न्यू टैब पर किसी एक पेज को आप रेंडर करते हैं, तो वहाँ पर जो पेज की जो रेंडर है, यानी कि आप किसी वेब पेज को ओपन करते हैं, तो आजकल जो वेब पेज है वो भी थ्रेड्स की फॉर्म में ओपन होता है। एक वेब पेज के अलग अलग पार्ट्स हैं। लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आप आजकल फेसबुक यूज़ करते हैं,
अब फेसबुक के अंदर जो पूरी डेटा फीड है वो एक साथ लोड नहीं होती, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा और स्लोली समझाता हूँ तो शायद ये आपके लिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग रहे। देखो, आपने फेसबुक खोला, www.facebook.com। अब फेसबुक के अंदर आपके वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपके कुछ लेटेस्ट फीड इन्फॉर्मेशन है, और ये जो पोर्शन है जहाँ पर आप न्यूज़ फीड पढ़ते हैं, तो ये जो न्यूज़ फीड है वो सारी न्यूज़ फीड आप जब एक वेब पेज ओपन करते हो तो सारी न्यूज़ फीड एक साथ ओपन नहीं होती, क्योंकि अगर पूरी न्यूज़ फीड एक साथ ओपन होगी तो आपका जो पेज है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली आपका पेज ओपन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसी वजह से इसको रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ लेते हैं। हम बोलते हैं कि डोंट लोड द एंटायर पेज ऑल एट वंस, यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग आप पेज को लोड कीजिए। जब यूज़र ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेगा तब डायनेमिकली आप जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको लोड कीजिए, इससे होगा कि आपका जो पेज है वो ज़्यादा फास्ट तरीके से लोड होगा। अब एक वेब ब्राउज़र के अंदर जब भी आप अलग टैब खोलते हैं तो उसके लिए थ्रेड क्रिएट होता है, उसी तरीके से जब एक वेब पेज को आप रेंडर करते हैं तो उस केस में भी वेब पेज के अलग अलग एलिमेंट्स को लोड करने के लिए भी क्रिएट थ्रेड्स। सो थ्रेड्स आर बेसिकली, दीज आर लाइट वेट प्रोसेसेस। जो प्रोसेसेस हैं वो हैवी प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, लेकिन थ्रेड जो है, जो लाइट वेट प्रोसेसेस है, उसको हम थ्रेड बोलते हैं। और एक प्रोसेस के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। इसी का जो यूज़ है, आपके पास जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं प्रोसेसर कोर्स के अंदर, जैसे कि आपके पास है i3 प्रोसेसर, i5, i8 प्रोसेसर, उस तरह से अब i9 प्रोसेसर आ गया है, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर प्रोसेसर। तो ये जो प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर का मतलब क्या है? देखो, अगर आपके पास एक प्रोसेसर है विच इज़ अ ड्यूअल कोर, या फिर आप कहो कि लेट अस से वी हैव i3 प्रोसेसर, तो i3 प्रोसेसर में आपके पास दो ऐसे कोर्स हैं जहाँ पर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे? आपके पास एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स में, और जब ये थ्रेड्स को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हर एक थ्रेड को हम पैरेलली दे सकते हैं। तो जैसे कि ये थ्रेड है, तो एक थ्रेड को हम इस कोर में दे सकते हैं, दूसरे थ्रेड को इस कोर में दे सकते हैं, जिससे आपके प्रोसेस के बीच में पैरेललाइजेशन अचीव हो जाती है। जब आप पैरेललाइजेशन अचीव कर सकते हैं तो यानी कि इसका मतलब है एक प्रोसेस को आप और भी ज़्यादा जल्दी फिनिश कर सकते हैं। तो पैरेललाइजेशन अचीव करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो चुका है आज के लिए, बिकॉज उससे आप जो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ टास्क का फिनिश करेंगे पर यूनिट टाइम, वो भी इम्प्रूव हो सकती है, जिससे ओवरऑल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो इस समय पर हम लोग जो पैरेललाइजेशन यूज़ करते हैं वो काफ़ी एरियाज़ में यूज़ करते हैं, सिर्फ एक इस एरिया में नहीं, हम लोग काफ़ी एरियाज़ में पैरेललाइजेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो जिसको हम मोस्टली, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में हम उसको थ्रेड्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ थ्रेड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए शेड्यूलर। शेड्यूलर बिल्कुल रॉन्ग है। शेड्यूलर का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर आपके पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यू कैन हैव अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यू कैन हैव अ मीडियम टर्म शेड्यूलर, एंड यू कैन हैव अ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखिए, एक प्रोसेस जब आपकी क्रिएट हुई, न्यू प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को लेकर जाते हैं यहाँ पर रेडी क्यू के अंदर। अब रेडी क्यू से आप उस प्रोसेस को लेकर जाते हैं रनिंग स्टेट पर, और रनिंग स्टेट से जो प्रोसेस है दोबारा से रेडी क्यू में भी आ सकती है, या फिर रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस जो है वो आपके पास सस्पेंडेड स्टेट पर भी जा सकती है, सस्पेंडेड स्टेट, और सस्पेंडेड से दोबारा से रेडी स्टेट, और रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस जो है वो टर्मिनेशन स्टेट पर भी जा सकती है। तो ये क्या हुआ? दिस आर स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। अब एक न्यू प्रोसेस को आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस अवेलेबल है जॉब क्यू के अंदर। जॉब क्यू का मतलब क्या है? देखिए, जब आप प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, इस समय पर न्यूली जो प्रोसेस है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगी, वो आपकी मेन मेमोरी में स्टोर नहीं होती। अब आपने एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट किया, अब इन सभी न्यू प्रोसेस जो हमारे पास जॉब पूल के अंदर अवेलेबल है, इनमें से कौन सी प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट करनी है, उसको हमें रेडी क्यू के अंदर लेके आना पड़ेगा। अब रेडी क्यू का मतलब क्या है? ये जो रेडी क्यू है ये आपके मेन मेमोरी में होती है, यानी कि आपके रैम के अंदर। तो जब आप इसमें से किसी प्रोसेस को चूज करते हैं रेडी क्यू में लाने के लिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की। अब जो रेडी क्यू है, रेडी क्यू में हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकती हैं। उन सभी प्रोसेस में से हमें किस प्रोसेस को रनिंग स्टेट पर लेकर जाना है, यानी कि सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाना है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है आपके पास मीडियम टर्म शेड्यूलर की। तो ये जो हमारे पास जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जैसे कि हमने पढ़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम, या फिर आपके पास हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम, ये जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं वो सभी आपकी मीडियम टर्म शेड्यूल के केस में यूज होती हैं। उसी तरीके से दिस इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड वी हैव मीडियम टर्म शेड्यूलर,
जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो रनिंग स्टेट से प्रोसेसेस को सस्पेंडेड स्टेट पर लेके जाने की जरूरत है, यानी कि किसी प्रोसेस को जब इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से सस्पेंडेड स्टेट के पास जाती है। अब रनिंग स्टेट से सस्पेंडेड स्टेट के पास कौन सी प्रोसेस जाएगी और उसके बाद हम सस्पेंडेड से उसको दोबारा से रेडी स्टेट पर लेकर जाएंगे, उसके लिए मीडियम टर्म शेड्यूलर यूज़ करते हैं। और जो आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि राउंड रॉबिन FCFS, वो सभी आपकी शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। तो जो आपका थ्रेड है, थ्रेड शेड्यूलर नहीं है, थ्रेड इज नॉट अ शेड्यूलर। शेड्यूलर जो है वो प्रोसेसेस, कौन सी प्रोसेस हमें CPU के अंदर रन करनी है उसका डिसीजन शेड्यूलर लेता है, एंड शेड्यूलर और थ्रेड्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली आप कह सकते हैं इट इज रॉन्ग। अब देखिए जो दूसरा ऑप्शन है वर्चुअल प्रोसेस। व्हाट इज अ वर्चुअल प्रोसेस? वर्चुअल प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जिसको हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं, और जो आपकी मेन मेमोरी है हम उसको फिजिकल एड्रेस स्पेस भी बोलते हैं। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस को हम बेसिकली पेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि उन पेजेस को हम मेन मेमोरी पर लेके आए और फिर हम उसमें से उस पेजेस को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, आई होप दैट यू ऑलरेडी हैव दिस आइडिया। आपने मेरे मेमोरी मैनेजमेंट के जो वीडियोज़ हैं वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे। अगर आपने मेरे मेमोरी मैनेजमेंट के वीडियोज़ पढ़े हैं तो आपको क्लियरली पता होगा कि आपके जो प्रोसेस पेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो जो वर्चुअल मेमोरी है वो थ्रेड्स नहीं होते। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस या फिर वर्चुअल मेमोरी जो है वो थ्रेड्स नहीं होते, वर्चुअल प्रोसेस थ्रेड्स नहीं होते। और थर्ड ऑप्शन है हैवी वेट प्रोसेस। तो हम थ्रेड्स जो है वो हैवी वेट प्रोसेस नहीं होते, दे आर लाइट वेट प्रोसेस। तो हैवी वेट प्रोसेस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एवरी प्रोसेस मोस्टली कंसिडर आर मोस्टली आर हैवियर देन द थ्रेड्स। सो ओनली लाइट वेट प्रोसेसेस जो हैं उसको हम थ्रेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 22 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ लाइट वेट प्रोसेसेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दैट इज कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 डिमांड पेजिंग, ऑप्शन नंबर 2 डेडलॉक, ऑप्शन नंबर 3 पेज फॉल्ट, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्वैपिंग। सो लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन। सो क्वेश्चन नंबर 23 सेइंग कॉपिंग अ प्रोसेस फॉर मेन मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस। देखें इसके कहने का मतलब क्या है, आपके पास ये मेन मेमोरी है, ठीक है, दिस इज योर मेन मेमोरी, दिस इज योर CPU, एंड दिस इज योर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी इज योर हार्ड डिस्क, ओके, एंड मेन मेमोरी इज योर रैम एंड CPU जहाँ पर आपकी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी। अब सेकेंडरी मेमोरी पर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकती हैं, यानी कि जब सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेस हैं वो हमारे पास प्रोसेस होंगी न्यू स्टेट में, जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है। अब इसमें से हम एक प्रोसेस को चूज़ करके हम उसको मेन मेमोरी में लेकर जाएंगे। अब जो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है जिसको मेन मेमोरी पर लेकर जाए उसका डिसीजन लेता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और जब इस प्रोसेस को हम मेन मेमोरी पर लेकर जाएंगे तो वो बेसिकली हमारे पास रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस आ जाती है। सो व्हेन अ प्रोसेस गोज फ्रॉम सेकेंड मेमोरी टू द मेन मेमोरी इट कम्स इन द रेडी क्यू, और रेडी क्यू में जो प्रोसेस है वो बेसिकली मेन मेमोरी के अंदर होती है। अब मेन मेमोरी पर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस यहाँ पर हो सकती हैं, इसमें से कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा, यानी कि कौन सी प्रोसेस को रनिंग स्टेट पर लेके जाना है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करेगा। ठीक है, अब देखो एक प्रोसेस की दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर वन इज CPU टाइम एंड सेकेंड वन इज IO टाइम, यानी कि द अमाउंट ऑफ CPU टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर कंप्लीटिंग इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड द CPU टाइम और द बर्स टाइम। उसी तरीके से द अमाउंट ऑफ इनपुट आउटपुट टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज IO टाइम। तो जब प्रोसेस CPU टाइम को एग्जीक्यूट कर रही है, यानी कि प्रोसेस आपके पास रनिंग स्टेट पर है, अब जैसे ही प्रोसेस ने अपना बर्स टाइम फिनिश किया तो प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से सस्पेंडेड स्टेट पर चली जाएगी। सस्पेंडेड स्टेट का मतलब क्या है कि CPU जो प्रोसेस रनिंग थी वो दोबारा से आप उसको मेन मेमोरी पर लेके आए और मेन मेमोरी में अपने दोबारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर सस्पेंडेड स्टेट पर है, यानी कि वो स्लीपिंग स्टेट पर है, वो अपना इनपुट आउटपुट वर्क परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, जो मैंने थ्योरी अब तक पढ़ाई वो बेसिकली एक तरह का कॉमन पार्ट था, ये हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। बट अब जो ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन क्या बोलता है फिर से पढ़ो, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड। यानी कि देखो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास मेन मेमोरी कम्प्लीटली फिल हो जाती है, यानी कि आपकी रैम कम्प्लीटली फिल हो जाती है और यहाँ पर दूसरी प्रोसेसेस के लिए इस समय पर स्पेस अवेलेबल नहीं है,
ठीक है, तो वो फिल कब होगी, जब हमारी जो प्रोसेस है वो सस्पेंडेड स्टेट पर होगी, ठीक है, या फिर हमारे पास जो काफ़ी सारी प्रोसेस रेडी के ऊपर है। अगर काफ़ी सारी प्रोसेस सस्पेंडेड स्टेट पर हैं तो हम मेन मेमोरी में स्पेस बनाने के लिए हम उन प्रोसेसेस को दोबारा से सेकेंडरी मेमोरी पर लेके चले जाते हैं। जब प्रोसेस को आप सेकेंडरी मेमोरी पर लेके जाएंगे, एक्चुअली उसको हम बोलेंगे ओके दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक्ड स्टेट, आप इसको ब्लॉक्ड स्टेट कहेंगे। और प्रोसेस को जब दोबारा से हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो स्टेट है वो सस्पेंडेड होती है। एक्चुअली दो स्टेट है हमारे पास, एक ब्लॉक्ड स्टेट है जिसको हम स्लीपिंग स्टेट भी बोलते हैं, और दूसरी स्टेट है हमारे पास सस्पेंडेड स्टेट, जहाँ पर जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी मेमोरी पर होती है। तो जो ब्लॉक्ड स्टेट होगी यानी कि वो मेन मेमोरी पर है, और जब सस्पेंडेड स्टेट है यानी कि जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी मेमोरी पर है। तो यहाँ से जो प्रोसेस है दोबारा से ब्लॉक्ड स्टेट पर आ सकती है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये जो इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग, इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। यानी कि एक प्रोसेस को आप जब आपकी मेन मेमोरी कम्प्लीटली फिल हो चुकी है और आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो ब्लॉक्ड स्टेट या स्लीपिंग स्टेट पर है, उस केस में हमें मेन मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस बनानी है। इसके लिए हम प्रोसेसेस को मेन मेमोरी से उठाकर सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं, और इस तरह की जो हमारे पास जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग। यानी कि प्रोसेस को स्वैप करना, उसकी जगह पर किसी और प्रोसेस को लेकर आना, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में जो गिवन है, ऑप्शन में पहला गिवन है डिमांड पेजिंग। जो डिमांड पेजिंग है दैट इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिमांड पेजिंग जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। डिमांड पेजिंग हमने जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है वहां पर हमने डिमांड पेजिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, आई होप आपको पता होगा। दूसरा है डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या है, जब व्हेन टू और मोर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर एन इवेंट व्हिच नेवर ऑकर्स देन दोस प्रोसेस आर इन डेडलॉक। एक सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ डेडलॉक का। एज्यूम करो कि ये आपकी प्रोसेस है P1, P2 एंड P3, और ये आपके रिसोर्सेज है R1, R2 एंड R3, ठीक है। लेट अस से P1 प्रोसेस इज होल्डिंग द रिसोर्स R1 एंड इट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स R2। P2 प्रोसेस इज होल्डिंग द रिसोर्स R2 एंड इट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स R3। P3 प्रोसेस इज होल्डिंग द रिसोर्स R3 एंड इट इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स R1। अब ये सभी प्रोसेसेस जो हैं वो एक सर्कुलर वेट की कंडीशन में है। अब सर्कुलर वेट की कंडीशन का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस कभी भी अपना वर्क को फिनिश नहीं कर पाएगी अनलेस कोई प्रोसेस अपने जो रिसोर्स उसने होल्ड किया हुआ है उसको प्रीएम्प्ट ना करें। ध्यान दो, फिर से अगेन मैं आपको फिर से बोलूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियोस पढ़े हैं तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है ये आपको एक बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली आपको 5 सेकंड्स लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसेस हैं, ये सभी प्रोसेसेस जो हैं ये डेडलॉक की स्टेट पर है, क्योंकि एक कोई भी प्रोसेस किसी रिसोर्स को फ्री नहीं कर रही है और दे आर स्टिल वेटिंग फॉर सर्टेन इवेंट टू ऑकर। तो जो डेडलॉक है, डेडलॉक एक एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर जो प्रोसेस का जो स्वैपिंग है दैट इज एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब थर्ड है हमारे पास पेज फॉल्ट। अब पेज फॉल्ट होता क्या है, देखिए आपके पास मेन मेमोरी है, नाउ योर मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स, ओके। अब जो प्रोसेस है, प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस। हम किसी पेज को, किसी प्रोसेस किसी पेज को हम मेन मेमोरी के फ्रेम में लेकर आते हैं। अब CPU को जो प्रोसेस का जो पेज एग्जीक्यूट करना है, तो बेसिकली CPU इज गोइंग टू टेक दैट पेज फ्रॉम द मेन मेमोरी। अब लेट अस से मेन मेमोरी के अंदर वो पेज अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम बोलते हैं देयर इज अ पेज फॉल्ट। यानी कि मैं फिर से बताता हूँ, मेन मेमोरी पर प्रोसेस के पेज स्टोर होंगे, इसमें से किसी प्रोसेस का जो पेज आपको एग्जीक्यूट करना है तो अगर वो मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं पेज हिट। पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि ये जो पेज है वो मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, उस केस में हमें सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस के पेज को लेके आना पड़ेगा और उसको हम दोबारा से उस प्रोसेस के पेज को हम मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम पेज फॉल्ट, ठीक है। तो पेज फॉल्ट इज अगेन अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। पेज फॉल्ट में सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो पेज फॉल्ट है वो मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में यूज होता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विच इज स्वैपिंग, यानी कि आप प्रोसेस को स्वैप करेंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में से है। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग व्हेन अ सब रूटीन इज कॉल्ड द ऐड इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन डैश ऑन द, ओके। सो आई होप, आई थिंक देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक ऑन दिस, बट स्टिल व्हेन अ सब रूटीन इज कॉल्ड द ऐड इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन।
ओके सो जब आप सब रूटीन कॉल करते हैं तो इंस्ट्रक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है उनको स्टैक के अंदर सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं. बेसिकली एक फंक्शन कॉलिंग जिस तरह से आप करते हैं, तो फंक्शन कॉलिंग में आप प्रीवियस फंक्शन के कौन सी ओके लेट मी जस्ट गिव यू अ बेस सिंपल एग्जांपल. अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक मेन फंक्शन है, ठीक है. मेन फंक्शन ने आपने फंक्शन एफ को कॉल किया. अब जब फंक्शन एफ पर जाएंगे तो फंक्शन एफ ने फंक्शन जी को कॉल किया. इस तरीके से यू कैन हैव वेरियस फंक्शन कॉल्स. जिसको जब भी फंक्शंस होते हैं उनको सब रूटीन्स भी बोलते हैं. अब इन फंक्शन कॉल्स में जब आप मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो इसके हम कौन सी स्टेटमेंट तक आप एग्जीक्यूट कर चुके हैं और नेक्स्ट कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होती है. लेकिन जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन कॉलिंग जो है वो हमेशा स्टैक के अंदर स्टोर होती है. तो स्टैक में क्या होगा, सबसे पहले मेन फंक्शन आपने कॉल किया, मेन फंक्शन का अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोग्राम काउंटर होगा, रजिस्टर्स होंगे, क्या डेटा वेरिएबल्स आपने स्टोर किए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ एवरी वेरिएबल. और उसको फिर जब आपने एफ फंक्शन को कॉल किया तो जो मेन फंक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेन सब रूटीन की इन्फॉर्मेशन है, हम उसको स्टैक के अंदर पुश करेंगे. सो बेसिकली वी यूज़ पुश एंड पॉप ऑपरेशन, वी यूज़ स्टैक टू स्टोर द सब रूटीन इन्फॉर्मेशन. जब भी आप सब रूटीन को कॉल करेंगे तो प्रीवियस आप कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे थे और जो सब रूटीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी हम स्टैक के फॉर्म में स्टोर करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है कि अभी आप जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसका एड्रेस हम स्टोर करते हैं प्रोग्राम काउंटर में. तो प्रोग्राम काउंटर ऑब्वियसली इज नॉट अ करेक्ट आंसर. सेकेंड है हमारे पास स्टैक, विच इज ऑब्वियसली अ करेक्ट आंसर. थर्ड है हमारे पास स्टैक पॉइंटर. अब स्टैक पॉइंटर और स्टैक में डिफरेंस है. स्टैक पॉइंटर क्या करता है कि स्टैक में टॉप ऑफ द स्टैक में क्या एलिमेंट है, स्टैक पॉइंटर उसको पॉइंट करता है. स्टैक जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है. और जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर बेसिकली रिजल्ट को स्टोर करता है. अगर आपने मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर मैं एक्यूमुलेटर के बारे में, जो एक्यूमुलेटर प्रोसेसर आर्किटेक्चर है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो आप चाहो तो वीडियोस को जाके एक्यूमुलेटर के बारे में देख सकते हैं, ठीक है. अब लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 25. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 25. अगेन जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये प्रोग्रामिंग पार्ट से है. मैं ऑलरेडी क्वेश्चन को बोर्ड के अंदर लिख चुका हूँ, बट आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 आपको शो हो रहा होगा. तो क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट दे आर सेइंग इज कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट. तो कोड सेगमेंट आपको इस तरीके से गिवन है. नाउ अज्यूम दैट एक्स वाई एंड जेड आर इंटीजर वेरिएबल्स एंड दैट एक्स एंड वाई हैव टू बी इनिशियलाइज्ड, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को आप इनिशियलाइज करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स व्हाट दिस कोड सेगमेंट डज. तो ये कोड सेगमेंट क्या करता है, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा इसको परफेक्टली डिस्क्राइब करता है. ऑप्शन नंबर वन इज सेट जेड टू बी द प्रोडक्ट एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, यानी कि जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्स मल्टीप्लीकेशन बाई वाई की. दूसरा सेट जेड टू बी द सम ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों का सम हो जाएगा. सेट जेड टू बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेट जेड टू बी द वैल्यू ऑफ वाई. अब देखिए इसको सॉल्व करने का अगेन सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ऑप्शंस को चेक करो पहले. सभी ऑप्शंस में वो अलग अलग चीज़ें कहना चाहता है. तो आप एक्स और वाई की ऐसी कुछ वैल्यू लो जहाँ पर सभी ऑप्शंस के आंसर आपके पास अलग हो. जैसे कि लेट एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है. उस केस में ऑप्शन नंबर वन इज सेइंग सेट जेड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि जो जेड की वैल्यू है, सॉरी एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, जेड दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 15. ऑप्शन नंबर बी इज सेइंग सेट जेड टू बी द सम ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि जो जेड की वैल्यू है वो 5 प्लस 3 के इक्वल होगी, यानी कि 8. एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बोलता है सेट जेड टू बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू होती है -5, तो -5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 5 है. उसी तरीके से +5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी 5 है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो. तो जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, आई मीन नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हटाकर जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो उसकी वैल्यू वहाँ पर रहेगी. अब चेक करो, हमारे पास हमने ऑप्शन एक्स की वैल्यू ली है 5 और वाई की वैल्यू है 3. तो लेट अस चेक कि ये क्या करता है. अब वाई इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ये जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड की जो इनिशियल वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 0. फिर जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, यानी कि जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड प्लस एक्स विच इज 5. y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 विच इज 2. उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर जाएंगे, विल डू z इज इक्वल टू z प्लस एक्स, तो जो z की वैल्यू है वो हो जाएगी अब आपके पास 10. और फिर y इज इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1.
अब दोबारा से आप ऊपर जाएंगे y स्टिल ग्रेटर देन 0, तो यहां पर क्या होगा z इज इक्वल टू z प्लस x, तो z की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 15, और जो y इज इक्वल टू y माइनस 1, y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 0. जब y की वैल्यू 0 हुई तो ये लूप फेल हो गया. अब चेक करो, जब हमने x की वैल्यू 5 ली थी और y की वैल्यू यहां पर 3 ली थी, उस केस में z की वैल्यू बनी 15, और 15 जो है वो ऑप्शन नंबर 1 को सूट करता है. तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y. अब काफी बुक्स के अंदर जहां पर इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है ऑनलाइन, उन सभी केसेस में उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट आंसर बताया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर नहीं है. ओके,